बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद मी। होप यू ऑल आर इन द बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ एंड अमान। सो व्यूअर्स, टुडे वी आर मेकिंग मटन कोफ्ते करी। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद बीफ और चिकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मटन कोफ्ते बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो ये हैं, और इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मटन मिंस, यानी बकरे का कीमा 1 kg, 1 kg, और नमक हसबे ज़ायका, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 teaspoon भुना कुटा हुआ धनिया, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, रेड पेपर फ्लेक्स, 1 teaspoon ज़ीरा, 1 teaspoon गरम मसाला, 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 3 to 4 tablespoon दही, 1/2 cup ब्राउन प्याज, और ये मैंने लिए हैं बेसन 4 tablespoon, और ये मैंने लिया है 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर मैंने लिया है 8 से 10 हरी मिर्चें, 1 छोटी प्याज, और 1 कप। तो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स कोफ्ता बनाने के लिए। अब हम इन सब चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लेंगे। चॉपर में हम सबसे पहले डाल लेंगे प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसे डाल के हम चॉप कर लेंगे। चलिए देखिए हमारा कितना अच्छा से चॉप हो गया। मैं यहाँ पे मटन यूज़ कर रही हूँ, आप बीफ और चिकन में भी बना सकते हैं। फिर हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे, गार्लिक पेस्ट, दही, और फिर हम डालेंगे फ्राइड अनियन। और फ्राइड अनियन की क्वांटिटी जो है वो आप 1/2 cup से 1 cup तक कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डालना है बेसन, और बेसन जो है वो मैंने भुना हुआ बेसन लिया है। सब इन्ग्रीडियंट्स को हम चॉपराइज कर लेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च 1 teaspoon, ये मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ, मैंने सब मसालों के साथ आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यूजुअली जो है लोग काली मिर्च जो है कोफ्ते में डालते नहीं है, तो मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, और मैंने इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऊपर से भी डाल दिए हैं, वो नज़र आते हैं तो अच्छे लगते हैं। और अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। एक एक करके आपने सारी बॉल्स इस तरीके से बना लेनी है। कोफ्ते की बॉल्स जो है वो आपकी बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और इसमें कोई क्रैक नहीं आएगा इंशाल्लाह। करी बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में 1/2 cup ऑयल हीटअप करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे 1 cup पिसी हुई प्याज, तकरीबन ये 3 medium size अनियन है जिसे हमने ब्लेंड कर लिया। इसे थोड़ा फ्राई करेंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ साथ इसे भूनते जाएंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने लिया है 1 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 2 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, और 1 tablespoon मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक हसबे ज़ायका, और 2 tablespoon लिया है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा। और अब हम ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे, जो प्याज हमारी फ्राई हो रही थी, और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखें हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भून चुका है। अच्छा, मसाला भूनते वक्त आपने थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है ताकि मसाला जो है वो लगे नहीं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 cup टोमेटो प्यूरी, ये अबाउट 4 medium size टमाटर हैं जिन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया है। मसाले को आपने अच्छी तरह भूनना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आए, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुनेगा आपकी करी का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। इसे मज़ीद भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 cup योगर्ट यानी कि 1/2 cup दही, और ये डालने के बाद इसे फिर थोड़ा भूनेंगे। फिर जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा और मसाला अच्छा से भुन जाएगा जैसे कि आपको अभी नज़र आ रहा है, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी अबाउट 3 cups, और पानी शामिल करने के बाद हमने इसे हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है कवर करके। करी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी वो कोफ्ते जो हमने प्रिपेयर किए थे। कोफ्तों की 1/2 quantity जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दी है, जिसे आप इजीली बना के और अप टू 1 month फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, और 1/2 quantity जो है वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने इसे चम्मच से बिल्कुल भी नहीं चलाना, क्योंकि आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। इस टाइम पे आपके कोफ्ते नरम हैं,
आपने अपनी कढ़ाई को इस तरह से मूव कर लेना है जैसे मैं कर रही हूं। फिर इसे कवर करके 10 टू 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो हमारी कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें रैंडमली कट, और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार मटन कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है और हमने इसे गार्निश किया बहुत सारे कोरिएंडर लीव्स यानी हरे धनिए के साथ। आई होप कि आपको आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। डू गिव मी योर फीडबैक इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल वेट फॉर इट। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल लाइफ स्टाइल विथ मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।